आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सदन में इनको आज सस्पेंड किया गया है। संजय जी, आज आपको सस्पेंड कर दिया गया है, आप जो लगातार मांग कर रहे थे, काफ़ी देर तक आप सदन के अंदर भी बैठे रहे। देखिए, ऐसा है कि ये एक घोर अलोकतांत्रिक सरकार है जो जनता के मुद्दों पर, जनता के आवाज़ को उठाने पर आपको निलंबित करती है, आपका गला घोटने का काम करती है, आपकी आवाज़ को दबाने का काम करती है। ये संदीप पाठक जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, गुजरात के प्रभारी हैं। वहाँ पर 55 लोगों की मौत हो गई, 55 जिंदगियाँ चली गई। किस चीज़ से? नकली शराब पीने से। उस प्रदेश में जहाँ पर शराबबंदी है, वहाँ नकली शराब का धंधा किसके संरक्षण में चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार के संरक्षण में चल रहा है, वहाँ के प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है, राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में चल रहा है। करोड़ों रुपए की धन उगाही करके ये नकली शराब बिकवाई जाती है जिसमें लोगों की मौत होती है। हमने क्या गलत कर दिया? मैंने 267 का नोटिस दिया, मैंने सरकार से मांग की कि इस मुद्दे पर चर्चा कराइए सदन में। गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, जवाब देना चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो बजाय इसके कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई करें, हमको उठा के सस्पेंड कर दिया। कल हमारे बाकी सांसद सदन में गुजरात का मुद्दा उठाएंगे, भले ही उन्होंने आज मुझे सस्पेंड किया है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं। हम लोग कल इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे और मैं फिर कहना चाहता हूं मोदी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये कमीशन खा के जो नकली शराब का धंधा गुजरात में चलाया जा रहा है जिसमें 55 लोगों की जान गई है, गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए और उनको जेल में भेजिए, और इस बात का जवाब दीजिए कि जब वहाँ के ग्राम प्रधान ने एक नहीं कई बार इसकी शिकायत की थी तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप लोग पोस्टर बैनर लेकर के गए थे, इस वजह से सदन की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई है, तो और कैसे अपनी बात उठाएं? आप मुझे बताइए कि कैसे अपनी बात उठाएं, क्या करें? आप भूल गए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया था इसी संसद परिसर में? भूल गए कंप्यूटरीकरण के खिलाफ इनके नेताओं ने किस किस प्रकार से प्रदर्शन किया था? आज हमारे तथ्य उठाने पे और नारा लगाने पे आप सस्पेंड कर रहे हैं, तो कीजिए सस्पेंड। कल से सदन में आप लोग क्या? मैं तो सस्पेंड हो चुका हूँ, लेकिन हमारे बाकी जो सांसद हैं, संदीप पाठक जी हैं और बाकी जो सांसद हैं, वो लोग आएंगे और गुजरात का मुद्दा उठाएंगे। तो गुजरात का मुद्दा ऐसे ही आम आदमी पार्टी के सांसद उठाते रहेंगे।